स्वागत है दोस्तों आप सभी का। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए लेकर हाजिर है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में लगातार हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए जिससे कि पूरी जानकारी सही सही आप तक पहुंचे। हार के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने खाली किया सरकारी आवास, बंगला खाली करने की तैयारी में नहीं थे केशव प्रसाद मौर्य। जी हाँ दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से विधानसभा चुनाव हार गए, जिसके बाद उन्हें मजबूरी में अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा। बताया जा रहा है कि वह तैयार नहीं थे फिलहाल अभी बंगला खाली करने को, लेकिन उनसे जल्द ही बंगला खाली करवा लिया गया। इसके बाद उन्होंने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया। लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास के पास 7KD बंगला केशव प्रसाद मौर्य का पता हुआ करता था, अब उनका पता बदल गया है। चुनाव नतीजे आने के बाद अब बाकी हारे हुए नेता भी अपना अपना बंगला खाली करने की तैयारी कर रहे हैं। ये दोस्तों इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर निकल के आ रही थी, बंगला छीन लिया गया है केशव प्रसाद मौर्य से। वह भी सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य से ही बंगला खाली करवाया है योगी सरकार ने। दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।